सत श्रीकाल, मैं राजविंदर हूँ। 10 वक्त पहले मेरे चैनल राजविंदर के थे। अच्छ आप मांगे मक्की की रोटी। तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है, जो तुम पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करो, प्लीज़ मेरे चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो लाइक करा करो, शेयर करा करो, तो कमेंट करके दस्या करो वीडियो कि लगी। आज आप वीडियो शुरू करते हैं। इसलिए आप जो 2 कप मक्की का आटा ले लेना है, तो वो आप अजवाइन पानी है 1 टेबल स्पून, तो उन्होंने चंगी तरह हाथों के मैश कर लेना है। उस तो बाद आप अपने जोड़े घर के मसाले आ वो पाने, जो आप रोज़ डेली खाने हैं, काली मिर्च 1/2 टेबल स्पून, तुसी अपने अकॉर्डिंग टेस्ट जिदा चेंज कर सकते हैं। धनिया पाउडर 1/2 टेबल स्पून, रेड चिली जो तुसी नहीं लेंदे तो तुसी स्किप कर सकते हैं। तो उस तो बाद हो गए आ जीरा, उन्होंने भी आप हाथों थोड़ा जहाँ मैश कर लेंगे, फिर माड़ा जिदा टेस्ट थोड़ा नाइस हो जाता है। तो उस तो बाद आप पावे सॉल्ट, सॉल्ट से अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट करना तो कि लाइक करते हैं। तो उस तो बाद आप सारे मिक्स कर लेना है। जिदा सियाल मक्की रोटी खाने बहुत लाइक करते हैं सारे, पर इतने जो यूके का आटा है थानू वह गर्म पानी नहीं बना पैंता है। फसली आप पा देना धनिया, धनिया तो बाद आप पा देना है हरी मिर्च, जो तुम रेड ज़्यादा पाई है तो तुम हरी मिर्च स्किप कर सकते हैं। धनिया वाली रोटी का जो टेस्ट वो बहुत ही वधिया होंदा है, क्योंकि जिदा सवेर में फ्रैश धनिया तोड़ते हैं ना, वो कितना फ्रैश होंदा है, तो जो तुम रोटी खाने वह बहुत सोहना टेस्ट जो मिलता है। एक बार सारे मिक्स कर लेना। तो हूँ आप पाना गर्म पानी, आप एन हॉट वाटर जोड़ा केतल का मतलब कि मैं गर्म करके पा रही हूँ, तुम इदा पा सकते हैं। उन्होंने पा के आप थोड़ा जहा मिक्स कर लेना है, टेबल या स्पून की हैल्प के ना, किसी होर चीज़ की हैल्प के ना, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा गर्म होंगे तो हाथ सड़ सकते हैं। सो आप मिक्स करके 10 मिनट लिए आप रेस्ट पर छड़ देना है। उस तो बाद आप फिर 10 मिनट बाद चेक करते हैं। देखो काफ़ी जिदा आटा है ना सॉफ्ट हो गया। हूँ आप थोड़ा थोड़ा ये पानी ऐड करके इन्हों पर सारे मिक्स करना। मेरे एक व्यूवर्स ने मैंने मैसेज किया कि मैम तुम रिंग पा के ना रोटी बनाया करो, पर जो मेरिया रिंग इन्होंने आटा या कुछ और चीज़ नहीं जाती हैगी, ये सिंपल आ सुपर, मैं उन्होंने घर के ला दिती है। तुम हूँ इन आटे को चंगी तरह मलना है, मल मल के जो आप कहने तेल कढ़ देना इदा एन करना है, इन्ना ही सॉफ्ट डो बन जाना चाहिए कि रोटी थोड़ी टुटे ना तिड़े ना किसी साइड से ना। देखो मैं किन्नी देर तो इन 5 से 7 मिनट तक इन मैं जो मलिया है इन आटे को आप बनाया है, तो हूँ आप पेड़े बना के रोटी बनावे। तो तुम अपने हिसाब से लेना तुम्हें किड्डा पेड़ा लेना, किन्नी रोटी वही खाने किन्नी छोटी है ना, पर मैं छोटी बनाऊँगी। तो गर्म पानी ला के फिर आप चूंड कर लेनी, कहें कींगड़ी भी कहते हैं इंडिया के काफ़ी जगह पर, तो आप बना लेना। देखो एम सोनी बनी है, तो हम आप हाथों के नाल लेनी है। जो मर्च आटा मेरे को निकलता सीगा, पता नहीं किदा ये हो गया है ना, पर रोटी एन सोहनी बनी सी, सोहनी ठीक बन गई सी जिनी मैंने चाहिए सी। तो मैं छोटी रोटी बनानी है ताकि एक तवे के उपर 2 रोटी ला सकन, कि मक्की रोटी में ज़्यादा सेंक चाहिए होंगे है। देखो आप तवे के उपर मान लिया घेर ला लेना, ज़्यादा नहीं लगा है, थोड़ा जहा लेना है। आप फिर रोटी पा देनी है, जाते ही एक रोटी होंगी आप दूसरी बना लेनी है, फिर आप साइड चेंज करके कर सकते हैं। जो गैस का फ्लेम है वो मीडियम तो लो रखा ताकि रोटी में चंगी तरह सेक लगे। हाई तो भी कर सकते हैं, पर जिदा मैं तवे से रोटी सिर्फ एक साइड थोड़ी करनी है, जिदा मैं दूसरी तरह गैस पर करूँगी। आप दोनों रोटियां पा दीतिया हैं, देखो तो हम आप इन्होंने पकाने की आप वेट करनी है पकन की, साइड चेंज करके तुम चेक कर सकते हैं। देखो वो जाते पक रही, आप दूसरी साइड से उन्होंने दूसरे तवे के उत्ते गैस के उपर इन्हों आप पका लेना है, क्योंकि इंडिया आप चुले के रख के बनाने होंने ना कोलों के उपर, इतने तो हम कूड़े है नहीं, पर आप इन्होंने ऐसे बना सकते हैं। तो काफ़ी नाइस बनती है, तो ईजी बन जाती शेक की जगह तवे तो काफ़ी टाइम लगता है। साइड आप चेंज करिए नहीं, तुम किसी चीज़ की हेल्प ना कर सकते, बट मैं हाथों का खाना जिदा ज़्यादा लाइक करती हूँ, मैं वधिया लगता है।
ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਬਟਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਛੇਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤਵੇ 'ਤੇ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਲਾਤਾ ਆ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਸਿਆਲ ਆ, ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਆਪਾਂ ਸਾਗ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਮੇਥੇ ਵਗੈਰਾ ਪਾ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਧਨੀਆ ਪਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਟੇਸਟੀ ਬਣਦੀ ਆ, ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਥੀ ਆ ਇਹ ਰੋਟੀ। ਅਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਫੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੇਟ ਲੂਜ਼ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਦੋਨੇ ਬਣ ਗਈਆਂ ਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਐਨ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ ਪਕਾਉਣੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਸੋਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਨਿੰਗ ਦਾ ਸੁਣ ਲੈਣ ਨਾਲ ਗਰਾਨੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਗਨੋਰ ਕਰ। ਦੇਖੋ ਰੋਟੀ ਆਪਣੀ ਬਣ ਕੇ ਰੈਡੀ ਆ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਖਾਣ ਲਈ ਸਰਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਫਰੈਂਡਸ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਓ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰੈਸਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ। ਬਾਏ।